डीजीपी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। देखिए, दो तीन दिन पहले हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी माननीय आर सोन जी ने एक सभा के अंदर जम्मू कश्मीर की बीमारी का उजागर किया और बीमारी को बीमारी कहने का जो है वो साहस उन्होंने दिखाया, जिसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की बीमारी को जो है वो सभी के सामने लाने का काम किया। तो उसी से जो है उस बीमारी का नाम सुनकर कई राजनीतिक पार्टियों को जो कश्मीर बेस की हैं उनके पेट में दर्द हो गया। सबसे पहले पेट में दर्द जो है महबूबा मुफ्ती के हुआ, श्रीनगर के एमपी एनसी के जो हैं उनके हुआ और कई नेताओं के हुआ, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो हैं वो आग बुबला हो गई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है वो पुलिस के वो सांप्रदायिक हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती से कि डीजीपी ने कौन सा संप्रदायिक वाला काम किया, वो एक भी कार्य बताए। क्या आतंकवादियों को मारना, आतंकवादियों के सपोर्टरों को जेल की सड़कों के पीछे डालना, आईएसआई के झंडे फहराना और उसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को जेल की सड़कों के पीछे डालना, अलगावादियों को जेल की सड़कों के पीछे डालना, अगर उनको जेल के पीछे डालने का काम अगर सांप्रदायिक है तो पूरा देश सांप्रदायिक है। फिर पूरा देश जो है वो डीजीपी के साथ है। महबूबा मुफ्ती बोखलाड में अपने आप को जिंदा रखने के लिए और नेशनल मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए इसलिए इस प्रकार के जो है वो बातें कर रही हैं और डीजीपी को निशाना बनाकर अपने आप को कश्मीर के अंदर दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इलेक्शन के अंदर एमपी इलेक्शन के अंदर एनसी पार्टी को बिल्कुल रिजेक्ट, पीडीपी पार्टी को और एनसी पार्टी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया है। पीडीपी तो बिल्कुल जड़ से खत्म करने का काम लोगों ने किया है। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एमपी और जिनके साउथ कश्मीर में पक्की जड़ें थी वो जड़ें कहीं ना कहीं जो वो उखड़ गई, बुरी तरह से हारी वो, 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारी। तो वो हार जो है वो महबूबा मुफ्ती को पच नहीं रही, इसलिए वो टारगेट जो है वो डीजीपी को कर रही है और कह रही है कि डीजीपी संप्रदायिक है, उनको जो वो किसी पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे हैं और उनको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। किसी के बाप की सरकार नहीं जो डीजीपी को जो है वो यहाँ से बर्खास्त करे या हटाए। जब तक सरकार चाहेगी, जब केंद्र सरकार चाहेगी, जब जम्मू कश्मीर यूटी सरकार चाहेगी, जब माननीय एलजी साहब चाहेंगे तभी डीजीपी चेंज होंगे। मैं तो सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने कई दायित्वों पर काम किया है, एसएसपी जम्मू रहे, एसएसपी श्रीनगर रहे और लगातार इतने लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने में उनका बड़ा योगदान है, और ऐसे डीजीपी को जो है उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाना चाहिए सरकार ने। आज भी कमांडो के नाम से विख्यात आर सोन जी आज भी उतने फिजिकल फिट है जब वो भर्ती हुए थे तब से। तो ऐसे डीजीपी को जिन्होंने लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद बनाया, आम पब्लिक की पहुंच में पहुंचे, उनसे संवाद किया, उनकी बातें सुनी, कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर में कोई चुनौती पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार का ये कार्य कर रही है, डीजीपी को टारगेट करके अपने आप को सुर्खियां बटोरना चाहती है, ये बंद कर दे, क्योंकि पूरे देश के लोग जो है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफत करेंगे और महबूबा मुफ्ती को मुंह तोड़ जवाब देने का जो है वो पीडीपी को काम करेंगे।